ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए साथियों, हम आज का जो सेशन है जिसके लिए मैं यहाँ पर आप सबके बीच में जुड़ी हुई हूँ, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आप सबके साथ यहाँ साझा करूंगी जो कि मुझे लगता है कि आप सबको पता होनी चाहिए। काफियों को पता भी होंगी, बट हमें टाइमली रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हम हर एक चीज को अच्छे से याद रखें। चलिए साथियों, एक थम्स अप दीजिएगा मुझे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। नया क्या क्या ऐड हुआ है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कोकोनट बिस्किट के बारे में। साथियों, जब से आया है तब से इसने धूम मचा के रखी हुई है और ये काफी ज्यादा हाई डिमांड में है और काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल पूरे भारत वर्ष में हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके कुछ खास वजहें हैं। सबसे पहला, इसमें हमने यूज किया है राइस ब्रैन ऑयल। जैसे कि आप जानते हैं कि राइस ब्रैन ऑयल कितना हेल्दी है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो हेल्दी के साथ साथ राइस ब्रैन ऑयल का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो अपना खुद का कोई टेस्ट ना होने की वजह से वो किसी भी चीज के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो सकता है। तो आप अगर अपने घर में कोई भी कुकिंग करते हैं तो राइस ब्रैन का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्वेच्छा का कोकोनट बिस्किट राइस ब्रैन के ऑयल के साथ बनाया गया है, जिसमें कि डेसिकेटेड कोकोनट डाला गया है। मतलब जो आपका गरी है उसको घिसा हुआ जो फॉर्म हमारे पास आता है वो उस फॉर्म में डाला गया है। तो इसको खाने के बीच बीच में आपको रियल कोकोनट का टेस्ट भी आता है। ये बना है होल व्हीट से, आपका प्योर यहाँ पर आटे के बिस्किट के हिसाब से बने हैं और राइस ब्रैन ऑयल का यूज किया है। तो कुल मिला के हेल्दी भी है आपके पास और टेस्ट भी है। तो बाजार के मैदे वाले बिस्किट्स को हम क्यों ना रिप्लेस करें और अपने इस टेस्टी कोकोनट बिस्किट और अन्य बिस्किट्स को क्यों ना हम अपने लाइफ में इंक्लूड करें। चलिए बात करते हैं हमारे खाखरा की। तो हमारा जो ये स्वेच्छा का खाखरा है साथियों, ये क्लासिक मसाला फ्लेवर का है। अब इसको भी हमने बनाने के लिए इस्तेमाल किया है राइस ब्रैन ऑयल का, ठीक है। और इसको हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है, हमारे चक्की फ्रेश आटे को, जो हमारा अब स्वेच्छा चक्की फ्रेश आटा है उसके साथ इसको मिला के हम लोगों ने ये बनाया है। और ये 100% रोस्टेड है, मतलब इनको डीप फ्राई नहीं किया गया है, इनको वैक्यूम सील्ड पैक किया जाता है ताकि ये टूटे ना। आप सबने अगर खाखरा खाया होगा तो आपने देखा होगा बहुत पतले पतले ये शीट्स होती हैं, एकदम चपाती की तरह होता है, बहुत पतला होता है। तो ये ना टूटे इसलिए इसके पैकेट का पूरा हवा निकाल दी जाती है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये सब आपके बीच में अब मसाला खाखरा आएगा स्वेच्छा का, और ये आप बहुत इजिली कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ा देर तक रुकना हो सकता है, रास्ते में खाने पीने का कोई भरोसा हो ना हो, तो हमारे अचार को और हमारे खाखरे को अपने साथ जरूर रख सकते हैं और इसका आप कहीं भी आनंद ले सकते हैं। तो आपका सेहत भी बना रहेगा, आपका स्वाद भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा नया स्वेच्छा का खाखरा मसाला फ्लेवर में इसको जरूर ट्राई करिएगा। चलिए अब बात करते हैं खसखस, हमारे जो नई जो ड्रिंक आई है स्क्रंच में, खस सिरप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि खस सिरप, एक ये आपका फ्लेवर आया है और दूसरा आया है आपका खस में, जिसमें कि थोड़ा सा आपका मिंट का भी एसेंस इसमें डाला गया है। तो खस जो है आपका साथियों बहुत सारे बेनिफिट्स रखता है, आपके शरीर को ठंडक देता है। तो ठंडक के साथ साथ ये आपके जो टेस्ट है, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई मैं ऐसा कुछ जूस पीऊं या मैं कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीऊं जिसकी वजह से मेरा शरीर अंदर से ठंडा भी फील करे और उसको वो फायदा भी दे, नुकसान भी ना दे, तो हम इस जो बाजार के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिनमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है और कोई भी स्वास्थ्य का बेनिफिट नहीं होता है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हमारे इस खस के सिरप के साथ। ये जो आपका सिरप है साथियों, इसमें मिंट फ्लेवर भी है आपका और खस के भी गुण है, तो ठंडक भी देता है और अंदर से तरावट आपके शरीर को मिलती है हमारे स्क्रंच के खस सिरप से। चलिए बात करते हैं गर्मियों के एक बहुत ही अच्छे साथी की, और इसकी शुरुआत मुझे लगता है हम लोग करना शुरू कर देते हैं होली के टाइम से। कई बार हम लोग दूध में डायरेक्टली
इस ठंडाई को यूज कर सकते हैं, ताकि अगर आप दूध का फ्लेवर इंक्रीज करना चाहते हैं और कुछ टेस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो कई बार आप दूध के साथ भी ठंडाई का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा दूध थोड़ा पानी मिला के भी इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका अपना अपना प्रिपरेशन का तरीका है। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे स्क्रंच ठंडाई को साथियों, जिसमें कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और इसमें क्योंकि इतनी सारी चीजें बनी होती हैं ठंडाई बनाने के लिए, जिनका अल्टीमेटली आपके हेल्थ के ऊपर बेनिफिट ही होता है। आप ठंडाई बनाने के लिए कई सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है जो कि सारी नेचुरल होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही बेहतरीन स्क्रंच ठंडाई आती है, जो कि आप अपने साथ साथ अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को दे सकते हैं। शाम के टाइम पे दूध देना है तो एक बार आप अपना चॉकलेट फ्लेवर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर ठंडाई का भी यूज कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से केसर का भी एक स्वाद देगा, आपको शरीर को ठंडा रखेगा। समर्स के लिए, गर्मियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। ये सब लोग ले सकते हैं, आपका किसी भी एज का कोई क्यों ना हो, और ये तुरंत आपको शक्ति भी देगा, मन को शांत भी रखेगा। बहुत सारे नट्स और सीड्स इसमें पड़ते हैं साथियों, बहुत सारे खड़े मसाले ऐसे इसके अंदर होते हैं, जैसे कि काली मिर्च होती है और बहुत सारे नट्स होते हैं, पॉपी सीड्स होते हैं। तो ये खसखस के जो दाने होते हैं वो सब होते हैं, तो इनके सारे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो बाजार की जो हमारी जो ड्रिंक्स हैं साथियों, उनको रिप्लेस करके हम ये हेल्दी ऑप्शंस अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो स्क्रंच ठंडाई आप जरूर ट्राई करिएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे मैंगो स्क्वैश की। अब ये आपका जो है 100% अल्फांसो मैंगो पल्प, जो हमारा आम की एक वैरायटी आती है अल्फांसो, उसके पल्प से बनाया हुआ है। बाजार में उपलब्ध आप अगर कंपेयर करेंगे, जितने भी आपके स्क्वैश हैं या मैंगो फ्लेवर के ड्रिंक हैं, उनमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट या पल्प बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। आप जरूर से उन बॉटल्स को उठा के एक बार लेबल पढ़ने का जरूर कोशिश करें साथियों, आप पाएंगे कि कितना ज्यादा उसमें हानिकारक प्रिजर्वेटिव होता है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल किया जाता है यूज उसको, वो टेस्ट देने के लिए और वो रंग देने के लिए। तो आप यहाँ आरसीएम के साथ जुड़े हैं, तो आप यस इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि इसमें 100% मैंगो का पल्प यूज किया गया है। और ये भी कई बार होता है ना कि बच्चों को लगता है खेल के आए हैं, कुछ फटाफट ड्रिंक चाहिए, और अपनी अपनी पसंद होती है, बच्चों को आम वैसे ही पसंद होता है, और आम कहा जाता है फलों का राजा है, तो आम फ्लेवर का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, झटपट से घोल के अपने बच्चों को दे सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं।